आयुर्वेदा में औषधियों के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना मेडिसिन में ड्रग्स के बारे में जानना। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा ही एक औषधि है जो है प्रश्नी पर्णी। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नी पर्णी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम जानने वाले हैं प्रश्नी पर्णी की मॉर्फोलॉजी, वो किस किस डिजीज़ में यूज़ आता है और हमें उसका कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए या फिर उसके कौन कौन से पार्ट यूज़ में आते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्नी पर्णी लघु पंचमूल का 4 ड्रग है, बाकी तीनों ड्रग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जानते हैं प्रश्नी पर्णी। बॉटनिकल नेम है यूरेरिया पिक्टा, कुल शिम्बी, उपकुल अपराजिता, फैमिली इज लेगमिनेसी, सब फैमिली इज पेपरिनिएशी। आचार्य चरक ने इसे अंगमर्द प्रशमन, संधानीय, शोथर, मधुर स्कंद गण में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने विदारी गंध आदि, हरिद्रादि और लघु पंचमूल वर्ग में रखा है। अब जानते हैं इनके संस्कृत नेम प्रश्नी पर्णी, क्योंकि जो इसकी लीव्स होती हैं वो पतली और लंबी होती हैं। पृथक पर्णी, बेसिकली इसकी जो लीव्स होती है उस पर वेराइजेटेड पैटर्न होता है, ब्लॉटिंग पैचेस होते हैं। बेसिकली प्रश्नी पर्णी की जो लीव्स होती है उस पर आप देखोगे वाइट कलर के ऐसे पैचेस होते हैं, तो ये इजीली आइडेंटिफाई या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रश्नी पर्णी का, कि उसके लीफ को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये प्रश्नी पर्णी का प्लांट है। कलछी, क्योंकि एफ्रोडियासिक दृश्य होता है। धावनी, क्योंकि इसका स्प्रेडिंग नेचर होता है। गुआ, डीप सीटेड रूट्स ऑफ प्लांट्स। चित्रपर्णी, अग्रिपर्णी, श्रृगाल विना, जैसे श्रृगाल की पूछ होती है उसी तरह इसकी पुष्प मंजरी मीन्स इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसे सिंह पूछी भी बुलाते हैं क्योंकि टाइगर की जो टेल होती है वैसे ही इसकी इन्फ्लोरेसेंस की शेप होती है जब वो फुली ब्लूम्ड स्टेज में होता है। हिंदी में पिटवन, बंगाली में शंकर जटा, मराठी में पिटवन भी बुलाते हैं। जानते हैं अब इसकी मॉर्फोलॉजी। इसका छोटा शूप 2 से 6 फुट ऊँचा होता है, पेरिनियल इरेक्ट, लेस ब्रांच, हब ऑफ 2 to 6 feet, पत्र 4 to 6 leaflets, 3 से 6 inch लंबी, जिन पर सफ़ेद रंग की चौड़ी धारियां होती हैं। फ्लावर्स, पुष्प, छोटे रक्तवर्ण या बैंगनी कलर के होते हैं, 3 से 4 inch लंबी मंजरी में लगते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया है टाइगर की टेल जैसे लगते हैं। 15 to 30 centimeter लॉन्ग, डेंस, टर्मिनल पिंकिश पर्पल और रेड कलर, सिलेंड्रिकल रेसमोस जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसकी फली पॉड्स दैट इज फ्रूट, 3 से 6 परफ्यूक मीन्स जॉइंट्स, 4 से 6 centimeter लॉन्ग, श्वेताभ होती है। इसके जो बीज होते हैं वो पीताभ येलोइश कलर के 1 से 12 होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन ग्रासलैंड्स इन ओपन प्लेसेस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट थ्रू आउट द इंडिया। अब जानते हैं इसका रस पांचक। इसका रस मधुर, तिक्त गुण, लघु स्निग्ध, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर। जैसा कि मैंने बताया था लघु पंचमूल या फिर कह सकते हैं दशमूल में हम सिर्फ 3 प्लांट्स का ही मधुर विपाक पढ़ते हैं, दैट इज चालपर्णी, प्रश्नी पर्णी और गोक्षुर। इसका जो प्रयोज्यांग है वो है मूल, और जो उसकी मात्रा क्वाथ की होती है वो 50 से 100 मिलीलीटर। जो कर्म होता है वो त्रिदोषामक है। सांसारिक कर्म उसका प्रयोग जानते हैं। नाड़ी बल्य है, वाथर, इसलिए वात व्याधि में हम इसका प्रयोग करते हैं। पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम, तृष्णा शामक, दीपन, अनुलोमन और ग्राही है। तृष्णा कोष्ठवात, रक्त अतिसार ग्रहणी में हम इसका प्रयोग करते हैं। रक्त व संस्थान, सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय, शोणित स्थापन, शोथर है, हृदरोग, रक्त विकार, वात रक्त तथा शोथ में उपयोगी है। बेसिकली जो भी ब्लड प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लामेशन हो गया, उसमें ये हेल्पफुल होती है। श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ निसारक है, का श्वास में लाभकर है। प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वृष्य है, शुक्र दौर बल्य में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मूत्र व संस्थान, यूरिनरी सिस्टम, मूत्रल है इसलिए हम इसका मूत्र कक्ष में प्रयोग कर सकते हैं। ताप कर्म, ज्वरग्न है, दाह प्रशमन भी है, बेसिकली ज्वर और दाह में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सात्मीकरण, बल्य है, संधानी है, अंगमर्द प्रशमन है। हमने बताया था कि ऑलरेडी की आचार्य चरक ने इसको अंगमर्द प्रशमन में लिखा है, तो बेसिकली जो भी फ्रैक्चर्स, इन्फ्लामेशन, वीकनेस, दौर्बल्य, शोष या अंगमर्द
विषग्न भी है, इसलिए इसको हम सर्प विष में भी इसका यूज़ करते हैं। तो कहा गया है अस्थि भग्न में मांस रस से इसका मूल क्वाथ देते हैं। इफ यू सी इंडिकेशंस ऑफ प्रश्निपर्णी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर फॉलोइंग। क्वाइट इफेक्टिव इन हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, मैनेज सिम्टम्स लाइक फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल्स, फीवर, ब्लड इन द स्टूल एटसेट्रा। Expectorant properties of the herb are quite effective in treatment of respiratory complications like cough, common cold, asthma and bronchitis. Use of this herb is a good to cure malarial fever. This herb is also packed with anti-cancerous properties. It helps to stop growth of cancer cells and enhances growth of healthy cells. जानते हैं विशिष्ट योग यानी formulations। जैसा कि मैंने कहा ये पार्ट है दशमूल का, तो हमें इसे दशमूलारिष्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जो कि स्वाश, काश, पांडु, कामला, मूत्रकृच्छ्र आदि रोग में दे सकते हैं। महानारायण तेल यूज्ड फॉर मसाज इन न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस, जो भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें हम महानारायण तेल का प्रयोग करते हैं, और उसमें एक कंटेंट प्रश्निपर्णी भी होता है। आई होप आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सपोर्ट अस बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।